जब हम इंडिया में एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक की बात करते हैं तो शायद ही हमें यामाहा R15 V3 से बेटर कोई बाइक मिल सकता है आज के डेट में 150cc सेगमेंट में। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को कैप्शन में दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को आज R15 V3 का 3 कलर्स दिखाऊंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों के लिए ग्लॉसी कलर या फिर मैट कलर कौन सा लेना बेहतर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकॉन को दबा के हमेशा हमारे कंटेंट से नोटिफाइड रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे R15 V3 का 4 कलर्स आपको अवेलेबल मिल जाता है। एक है मॉन्स्टर एडिशन, जिसका मैंने पहले रिव्यू बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके साथ साथ ये जो 3 कलर्स आप देख रहे हैं, ब्लैक, रेड और मैट ग्रे, ये तीनों कलर्स आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो मॉन्स्टर एडिशन है और ब्लू कलर, ये दोनों आपको ग्लॉसी में मिलेगा और ब्लैक और रेड ग्रे आपको मैट में मिलेगा। अब दोस्तों, अगर हम ग्लॉसी कलर्स के बारे में देखते हैं तो ग्लॉसी कलर आपको चमक ज़्यादा देगा, शाइन ज़्यादा देगा, लेकिन ये काफ़ी आसानी से इसमें स्क्रैच आ सकता है। और इसलिए ये स्क्रैच आने की वजह से ट्रैफिक में, अगर आप ज़्यादा टाइट ट्रैफिक में गाड़ी को चलाते हैं तो मैं कभी भी आपको ग्लॉसी कलर रेकमेंड नहीं करूँगा। वहीं पे अगर आप मैट कलर में देख ये बाइक लेते हैं तो मैट कलर दिखते तो डल ज़रूर है, लेकिन इसमें उतना आसानी से स्क्रैचेस आता नहीं है। तो अगर आप ज़्यादातर ट्रैफिक में चलाते हैं तो आप मैट कलर को कंसिडर कीजिए, या फिर अगर आप हाईवे राइड्स ज़्यादा करते हैं, लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करते हैं, खुले रोड्स पर ज़्यादा चलाते हैं तो आप ग्लॉसी कलर को कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम स्क्रैच की और बात करें तो अगर आपको ग्लॉसी कलर में स्क्रैचेज आए तो वो काफ़ी आसानी से कम खर्चे में बन जाते हैं, यानी कि आप स्क्रैचेज रिमूव कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको मैट कलर में स्क्रैचेज आए, वैसे आसानी से तो नहीं आता है, आ भी जाए तो वो काफ़ी आपको खर्चा दे सकते हैं स्क्रैच रिमूव करने के लिए। और R15 जैसे गाड़ियों में स्क्रैच आने से इसका जो पूरा लुक्स है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही स्टाइलिश बाइक है और मेनली यंगस्टर्स के लिए बना हुआ है, तो स्क्रैचेस यहाँ पे आना काफ़ी ये गाड़ी का जो लुक्स का मामला है उसको बिगाड़ देता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपका जो इसका कलर कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग मुझे पूछते कि कौन सा कलर लेना चाहिए, उसके बारे में वाकिफ कर दिया। और आप अपने राइडिंग कंडीशन के हिसाब से इस गाड़ी को लीजिए, आप किस सिचुएशन में चलाते हैं, ज़्यादातर किस सिचुएशन में राइड करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना चॉइस कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम इसके एक ओवरव्यू की बात करें तो ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पे कहने का नहीं है, क्योंकि R15 V3 के बारे में आप लोग सबको ही जानते हैं। ये बाइक अपने सेगमेंट में बहुत ही अनकंटेस्टेड बाइक है, क्योंकि अभी तक इसका कोई राइवल्स किसी भी कंपनी निकाल नहीं पाया है। और यामाहा का फिलहाल में जो कम्यूटर या फिर एंट्री लेवल स्पोर्ट्स सेगमेंट कह सकते हैं आप, उसमें ये फ्लैगशिप बाइक है और अपने ही आप में एक बेंचमार्क इन्होंने क्रिएट करके रखा है। दोस्तों, अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो आप इसका लुक्स तो देख ही सकते हैं, बहुत ही मस्कुलर और स्पोर्टी लुक में ये आता है और कमिटेड स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन इसमें आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। और अगर हम यहाँ पे इंजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड 4-वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड 155cc का SOHC इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा और स्लीपर क्लच और वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन जैसा टेक्नोलॉजी द्वारा ये इक्विप्ड है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं VVA का यहाँ पे आपको बैजिंग दिखा हुआ मिल जाएगा। और फ्रंट से अगर देखें तो सारे जो हेडलाइट्स हैं ये फुल LED यूनिट्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS में कोई मॉडल यहाँ पे नहीं है, दोनों ही आपको सारे जो मॉडल्स हैं ये डुअल चैनल ABS में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पावर यहाँ पे दिया गया है 19.3 PS एट 10,000 RPM और टॉर्क है 15 न्यूटन मीटर्स एट 8,500 RPM और ये डेल्टा बॉक्स फ्रेम पर बना हुआ है। अब ये जो पावर एंड टॉर्क है, ये अपने सेगमेंट में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस तरह के पावर और टॉर्क और पिकअप आपको किसी भी और बाइक में अब तक के लिए देखने को नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो टेल सेक्शन भी LED है और जो इसके इंडिकेटर्स, ये नॉर्मल बल्ब टाइप का है। दोस्तों, यहाँ पे जो सस्पेंशन आपको आता है, ये फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन और पीछे आपको स्विंग आर्म मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। अब अगर टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों, तो 150 ये जो बाइक है ये इजीली क्रॉस कर सकता है। आप अगर थोड़ा सा इसको पुश करें तो 150 से ऊपर ये जा सकता है। सस्पेंशन जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीस्कोपिक है फ्रंट में, और दोनों ही तरफ आपको 17-इंच के MRF के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेगा। दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेगा विद ABS और फ्रंट की तरफ आपको 100/80 का टायर मिलेगा और पीछे की तरफ आपको 140/70 का टायर मिलेगा। गौर कीजिएगा दोस्तों कि दोनों ही टायर्स में कोई भी यहाँ पे रेडियल टायर्स हैं।
दोस्तों यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है ये 11 लीटर्स का है और माइलेज आपको 40 से लेकर 48-50 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड करते कि आप किस सिचुएशन में इस बाइक को चला रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम सीट हाइट की बात करें तो 815 mm इसका सीट हाइट है, और सीट हाइट कुछ ऐसा ही है जिसके हिसाब से ये टॉलर राइडर्स या फिर लंबे जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेड है, ना कि शॉर्ट हाइटेड राइडर्स के लिए। बहुत ही एक स्पोर्टी सेगमेंट का के लिए बाइक बना हुआ है, और जिनका बजट 2 लाख के अंदर है वो बहुत ही एक परफॉर्मेंस वाला मशीन R15 ये ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम फ्रेम की बात करें तो डेल्टा बॉक्स फ्रेम पर बना हुआ है, क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार दिया गया है, और बहुत ही एक कमिटेड फ्रंट रिडन राइडिंग पोजीशन है, और मीटर कंसोल भी फुल्ली यहाँ पे एक एल दिया गया है डिजिटल। इसमें आप अपने नाम सेट कर सकते हैं, और इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज माइलेज, इंस्टेंट माइलेज, स्पीड, टोटल किलोमीटर्स, 2 ट्रिप मीटर्स, ट्रिप एफ, फ्यूल इंडिकेटर, जितने भी सारे इंडिकेशन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में एक विंडशील्ड दिया गया है ताकि विंड ब्लास्ट जो है हाईवेज में वो काफ़ी कम रहे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छे एलुमिनियम फिनिशिंग में इसका फुटपेक्स वगैरह दिए गए हैं, और फिट एंड फिनिश जैसे कि आप जानते हैं यामाहा का बहुत ही अच्छा है। आप अगर हम मेंटेनेंस की बात करें और आफ्टर सेल्स की बात करें तो रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छा है, और मेंटेनेंस जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल कूल्ड इंजन है, सॉरी लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस थोड़ा आपको ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि बाइक कुछ ऐसा ही सेगमेंट का बाइक है और ऐसे ही अंदाज से इस बाइक को बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm है, जो कि इंडियन हाइटेड इंडिया के जो स्पीड ब्रेकर है उसके लिए काफ़ी है, और वेट है 142 kg। फुल DC कनेक्शन में इसके जो लाइट्स हैं वो काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस यहाँ पे लगभग आपको 170,000 से लेकर 175,000 के अंदर मिल जानी चाहिए कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और मॉन्स्टर एडिशन अगर आप लेते हैं तो स्टैंडर्ड एडिशन में लगभग स्टैंडर्ड एडिशन से लगभग आपको 3,000 रुपये ज़्यादा देनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर हम कॉन्स की बात करें तो डेडिकेटेड राइडिंग पोजीशन है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लॉन्ग राइड्स में आप इसको लेकर नहीं जा सकते, पेन्स आ सकते बैक और पाम्स में, और इसके जो लाइट है वो और भी बेहतर हो सकता था। दोस्तों यही था एक छोटा सा रिव्यू, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।